खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ से सामने आ रही है सीएम योगी का मध्य प्रदेश दौरा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दो दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश जाएंगे योगी आदित्यनाथ, चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के लिए जनसमर्थन जुटाएंगे योगी। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मध्य प्रदेश दौरा, दो दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश जाएंगे योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के लिए जनसमर्थन जुटाने के लिए योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, दो दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश जाएंगे योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जो है चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, बीजेपी के समर्थन में जो है वहां पर जनता से अपील उनके द्वारा की जाएगी, जनसमर्थन जनता से मांगा जाएगा। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे, बीजेपी के लिए समर्थन जुटाएंगे योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ से सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश जाएंगे, वहां पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे मध्य प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, वहां पर चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के समर्थन में उनके द्वारा चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित किया जाएगा, जनता से समर्थन भी योगी आदित्यनाथ के द्वारा मांगा जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, बीजेपी के समर्थन जुटाने के लिए मध्य प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ से सामने आ रही है, जहां दो दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश जाएंगे योगी आदित्यनाथ, चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी के समर्थन जुटाएंगे वहां पर योगी आदित्यनाथ, और कार्यकर्ताओं में जोश उनके द्वारा भरा जाएगा, जनता से वहां पर बीजेपी के समर्थन में वहां पर उनके द्वारा समर्थन भी मांगा जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी के समर्थन जुटाने के लिए मध्य प्रदेश के दौरे पर योगी आदित्यनाथ, दो दिवसीय दौरा उनका रहेगा और चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब मध्य प्रदेश की कमान संभालते हुए भी नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश वासियों के लिए, जनता के लिए वहां पर बीजेपी का समर्थन जुटाने के लिए योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, दो दिवसीय दौरा रहेगा और चुनावी जनसभाओं को भी वहां पर संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा दिया जाएगा, जोश कार्यकर्ताओं में भरा जाएगा, जनता से बीजेपी के समर्थन में जुटाने के लिए भी उनका ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के लिए जो समर्थन योगी आदित्यनाथ के द्वारा जुटाया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी, दो दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री का दौरे का सिलसिला लगातार देखा जा रहा है और इसी बीच मध्य प्रदेश में कमान संभालेंगे योगी आदित्यनाथ। और पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ का भी उनके द्वारा दौरा किया गया था, आज छत्तीसगढ़ में मतदान और इसी बीच मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, क्या लगता है ये दौरा कितना अहम माना जा सकता है मध्य प्रदेश के लिए? मंत्री जी, अगर मनीषा जी बात की जाए अगर योगी आदित्यनाथ के दौरे के लिए, तो ये खास हो जाता है, क्योंकि जब ये छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर जाते हैं तो ये कनेक्ट करते हैं अयोध्या से, माँ सीता का नाम लेते हैं, बजरंगबली का नाम लेते हैं अपनी रैलियों में, और कहीं ना कहीं से राम मंदिर से कनेक्ट करते हुए वो वोटों को अपनी तरफ से खींचने का प्रयास भी योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया जाता है। ये दौरे अहम हो जाते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो भी टॉप 10 स्टार प्रचारक हैं उस सूची में वर्षों से शामिल हैं, और इनका दौरा कट्टर हिंदुत्व को लेकर या एक बेस्ट सीएम के रूप में लॉ एंड ऑर्डर के लिए
जैसे बुलडोजर बाबा के नाम से भी ये जाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये जाते हैं, तो अपने बुलडोजर का माफियाओं पे कार्रवाई की भी जिक्र करते हैं। तो एक लॉ एंड ऑर्डर और राम मंदिर मुख्य मुद्दा इनका रहता है, जिसके तहत जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का, खींचने का प्रयास योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाता है। जी राघवेंद्र जी, जिस तरीके से आपने बताया कि बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाते हैं, क्या लगता है मध्य प्रदेश में बुलडोजर बाबा का जादू चल पाएगा? देखिए, इनका प्रयास यही रहता है कि देखिए, बुलडोजर की नकल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने भी की थी, इसके अलावा कई अन्य राज्य भी थे जहां तक इनकी नकल की गई थी। अगर माफिया उस तरह के अराजक तत्व पाए गए तो उन सरकारों ने भी बुलडोजर का प्रयोग किया, और जाते हैं तो अपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बुलडोजर का जिक्र जरूर होता है, और जनताओं को राहत भी आ रहा है, क्योंकि देखिए बुलडोजर जनरली अब तक हम लोग नकारात्मक रूप में देखते जानते थे, लेकिन जब 2022 का चुनाव हुआ तो उसमें बुलडोजर ने योगी आदित्यनाथ को जिताने का काम किया। कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा और अपराधियों माफियाओं से जो छुटकारा मिला उत्तर प्रदेश को, उसी का नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी की थी। तो मध्य प्रदेश में भी उम्मीद की जा सकती है कि बुलडोजर का प्रभाव दिखे। जी राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।